हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आईफोन 11 पे iOS 18.1 के डेवलपर बीटा 6 के नए अपडेट का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइस, ये अपडेट मैं पिछले 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ अपने आईफोन 11 के ऊपर। सो गाइस, अगर आप सभी भी iOS 18.1 के स्टेबल अपडेट की वेट कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम इसके रिलीज डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस अपडेट का साइज मेरे को 653.7 मेगाबाइट रिसीव हुआ था आईफोन 11 के ऊपर। हर एक आईफोन के हिसाब से साइजेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस अपडेट में एप्पल ने क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस करा है आईफोन 11 यूजर्स के लिए, तो सबसे पहले तो कंट्रोल सेंटर में चलते हैं। यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप लेवल और मेयर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है कंट्रोल्स में। इनको ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड कंट्रोल्स पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्टिविटी में अब आपको ये देखने को मिल जाएगा आपका एयर ड्रॉप का लोगो, तो आप इसे ऐड कर सकते हो सिंपली सिंगल टैप करके। तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है और साथ में यहाँ पर आपको मेयर में दो लेवल का और मेयर का जो कंट्रोल है अब एप्पल ने प्रोवाइड कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब एप्पल जो अपने सारे के सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं उनको अलग अलग करके कंट्रोल्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके कंट्रोल सेंटर में, ताकि आपको उन्हें सेटिंग्स में जाकर एक्सेस ना करना पड़े, डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर को नीचे करा और आप उनको एक्सेस कर सको इजीली। सो जो मेरा आईफोन 13 है उसमें आपको कोई भी ये कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपका एयर ड्रॉप से रिलेटेड रहने वाला है। ये जो एयर ड्रॉप का कंट्रोल है और लेवल का मेयर का कंट्रोल है ओनली आपको iOS 18.1 के बीटा 6 के नए अपडेट में ही रिसीव होने वाले हैं। उसके बाद जो iPhone 11 उस पर कोई भी और नया फीचर एप्पल ने ऐड नहीं करा है। सो बाकी जो फीचर्स हैं वो एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, तो एप्पल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेस में नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एप्पल म्यूज़िक एप्लीकेशन में अब आप किसी भी म्यूज़िक को शेयर कर पाओगे अपने टिकटॉक की एप्लीकेशन के ऊपर, और साथ में और भी जो आपकी मेल की एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसमें भी कुछ नए चेंजेस ऐड करे गए हैं, जो कि आपको और भी ज़्यादा स्मार्ट रिस्पॉन्स करने वाली है आपकी मेल की एप्लीकेशन। और आपका जो ऐप स्टोर है उसमें भी एक स्मार्ट सर्च का ऑप्शन ऐड करा गया है बीटा 6 के नए अपडेट में। तो उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस वाइज आईफोन 11 जो है वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। इसमें मेरे को कोई भी बग्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कभी कभार आप देख सकते हो कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पर क्रैश मेरे को शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर तो कोई भी क्रैश नहीं है। जैसे मैं इसे बैक करूँगा अब ये करेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एप्लीकेशन आपको क्रैश शो कर रही है कि ये एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर क्रैश आपको शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके के जो एप्लीकेशंस के प्रीव्यू हैं वो आपको कंप्लीट देखने को नहीं मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आप ओपन करोगे फिर आपको ये सारे प्रीव्यू जो हैं वो शो होने वाले हैं। बाकी इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, कि एप्लीकेशंस को ओपन करने की स्पीड आपको कम देखने को मिलेगी, ऐसा कोई भी इशू आपको फेस नहीं होने वाला है बीटा अपडेट में भी। तो मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ इस अपडेट को, और बैटरी हेल्थ भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरे डिवाइस की बैटरी हेल्थ कितनी है, 82% बैटरी हेल्थ हो रखी है। तो बैटरी हेल्थ में भी कोई भी ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आईफोन आपने अभी तक बीटा अपडेट में भी बैटरी को ड्रेन नहीं करा है। और लास्ट चार्ज मैंने इसे करा है फ्राइडे को 9:55 PM पे, और अभी आप इसका बैटरी लेवल चेक कर सकते हो 77%। इसके ऊपर मैंने वीडियोस को भी शूट करा है, कुछ म्यूज़िक भी मैं इसमें प्ले करता हूँ, तो ये इसकी एक्टिविटी रहती है डे टू डे रूटीन में। कुछ ये एप्लीकेशंस मैं यूज़ करता हूँ। अगर हम इसका पिछले 10 दिनों का बैकअप देखें तो तकरीबन एवरेज इसका स्क्रीन ऑन टाइम 1 आवर तक चला जाता है, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, ये मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है। और बात करें चार्जिंग ऑन होल्ड के इशू की, तो वो भी आपको इस अपडेट में रिसीव होने वाला है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपका डिवाइस काफ़ी हीट है तो आपको ये जो वार्निंग है बैटरी से रिलेटेड वो आपको शो होने ही वाली है आपके डिवाइस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क्स की अगर बात करी जाए तो वाईफाई में या ब्लूटूथ में कोई भी मेरे को इशू देखने को नहीं मिला है, तो काफ़ी जल्दी से वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर वाईफाई की स्पीड भी इस अपडेट में काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को मिल रही है। और साथ में यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करी जाए कंट्रोल सेंटर में भी कोई भी बग्स नहीं है,
लॉक स्क्रीन में भी कोई भी आपको बग्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं और ना ही आपकी होम स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के रिलेटेड कोई बग्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इनको मैंने यहाँ पर डार्क मोड में शिफ्ट करा है, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ये रिस्पॉन्स कर रहा है। कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर क्रैश कर रही है या कलर को चेंज नहीं कर रही है, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है iOS 18.1 के बीटा 6 के नए अपडेट में भी। तो ये अपडेट की रिलीज़ डेट के अगर बारे में बात करें तो इसका जो रिलीज़ डेट रहने वाला है वो आपको इसी मंथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि शायद 28th of October को आपको देखने को मिल सकता है इसका स्टेबल अपडेट। इसका जो बीटा अपडेट है अभी एप्पल रोल आउट करने वाला है आने वाले 2-3 दिनों में, तो क्योंकि एप्पल अपना हर बार बीटा अपडेट जो है वो मंडे को रिलीज़ करता है या ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग, तो तब आपको इसका नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो वो भी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने आईफोन 11 पे, उसका भी मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। सो तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।